ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। हमारे वीडियो में काफी बार टॉप कॉस 2x का हमने बताया है कि इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, मैंने काफी बार बताया, जितनी बार ये आपका आया हुआ है सवाल, चाहे वो हाई स्कूल में त्रिकोणमिति का चैप्टर हो उसमें भी कॉस 2x का रहा है, चाहे आपका कोई भी चैप्टर हो अगर ये बात आपके पास आई है तो ये मैंने जरूर बताया। ठीक है, आज फिर मैं बता देता हूँ कि कॉस 2x के फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, आप देख लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी फॉर्मूले याद करने हैं नहीं याद करने हैं। ठीक है, मेरा काम बताना है सिर्फ। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है थोड़ा सा दिमाग से खेलना पड़ेगा। एक ऐसा फॉर्मूला इन तीनों में लगाओ जो यहाँ से वन कट जाए, तो कौन सा हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ये वन प्लस में है तो यहाँ पर वन माइनस में होना चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे, वन अपॉन वन माइनस ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ, लेकिन वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा, काफी बार यूज हुआ है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे इससे, जब हार्ड हार्ड क्वेश्चन बनेंगे वहां पर भी फॉर्मूलास यूज होंगे, तो फॉर्मूले याद रखने हैं, दिमाग पर रखना है भैया। ठीक है भाई, समझा ना, रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं रखोगे नहीं कर पाओगे। वन अपॉन ब्रैकेट खोलोगे वन माइनस वन, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बात सुनना भी अच्छा, वन से वन कट जाएगा, जब वन से वन कट जाएगा तो फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर वन बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा डी एक्स। बात सुना भी, टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वन बाई टू कॉमन हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा। अच्छा, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। ठीक है, सॉरी क्या होता है, वन अपॉन टू वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि जब समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या करते हैं तो क्या आता है, माइनस का कॉट एक्स आता है, क्या आता है, माइनस का कॉट एक्स आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइनस का कॉट एक्स होगा। तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, मेन जो चीज है मैं उसको गोला मार रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूले याद रखोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन 5 तो अलग क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पे देख लो, इजी है, अगर आपको पता है तो आप कर लीजिएगा। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन कितने लोग को आता है, ए की पावर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को देखो, और आपको अगर आता है कमेंट में बोल दो, हाँ मुझे आता है। ठीक है, और जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, बस सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, हाँ ए की पावर, अगर आपके पास कभी भी ए की पावर लॉग एक्स लिखा हो, या ए की पावर लॉग एक्स क्यूब प्लस वन लिखा हो, या फिर ए की पावर लॉग यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए की पावर लॉग के साथ कुछ भी लिखा हो, मेरी बात समझिएगा, e की पावर लॉग x लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा, x आएगा, e की पावर लॉग x क्यूब 1 लिखा हो तो x क्यूब 1 आएगा, e की पावर लॉग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, e की पावर लॉग गायब हो जाता है, जो आपके पास बचा होता है लॉग के बगल में, ठीक है, वही आपका आंसर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन e की पावर log x का मतलब क्या होता है, x होता है बटे x दिया हुआ है dx, x x कर जाएगा तो 1 dx आ जाएगा, और जब हम लोग करेंगे तो x plus c आ जाएगा। तो इसका 5 वाला क्वेश्चन भी इसी